घर की छत पर दिख जाइए पांच प्रकार के पक्षी तो समझ लिए होने वाले हैं आपको धन लाभ इंसान से पक्षियों की दोस्ती हमेशा से रही है पक्षी उड़ते हुए कई बार लोगों के घरों की छत और मंदिर पर आकर बैठ जाते हैं वहीं कुछ पक्षी इंसानों के घर पर अपना घोंसला भी बना लेते हैं वैसे पक्षी कभी अकेले आते हैं तो कभी समूहों में आकर छत पर किलकारियाँ करते हैं वे वहाँ दाना खाते हैं पानी पीते हैं और हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है विभिन्न प्रकार के पक्षीय जो हमारे घर या छत की मुंडेर पर आकर बैठते हैं वो कोई संयोग मात्र या फिर इसके पीछे भविष्य का कोई बड़ा संकेत छिपा होता है तोता यदि तोता आपके घर की मुंडेर या छत पर आकर बैठता है तो यह किसी मांगलिक कार्य के होने का संकेत माना जाता है तोता का आना शुभ माना गया है उल्लू उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है उल्लू को आसपास दिखाई देना शुभ माना गया है यदि घर की छत पर उल्लू दिखाई दे तो समझिए धन लाभ होने वाला है चिड़िया यदि चिड़िया आपकी बालकनी या सीढ़ियों के ऊपर घोंसला बनाकर रहने लगे तो यह आपके घर में खुशियों के आगमन का संकेत होता है यह इस बात का प्रतीक होता है कि अब आपके संकट के दिन जाने वाले हैं और परिवार में खुशियां बिखेरने वाली है नीलकंठ नीलकंठ बहुत कम दिखाई देने वाला पक्षी है यदि आपको छत या मुंडेर पर नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो वह बहुत शुभ माना जाता है इस पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है जो दुनिया के संकट हरता है इस पक्षी का आना इस बात का प्रतीक होता है कि आपको किसी वाहन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है कोआ घर के मुंडे पर सुबह सवेरे कोए का आकर बोलना इस बात का संकेत होता है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति जल्द ही आपके घर आ सकता है अगर वह उत्तर की ओर मुँह करके बोलता है तो इसका मतलब कोई धनवान व्यक्ति आ सकता है जबकि पूर्व की ओर मुँह करके बोलने का मतलब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आने का संकेत होता है